देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक दो डिजिट का नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया नंबर बना वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? सबसे पहले आप देखिए सम ऑफ टू डिजिट्स क्या है, 9 है। अगर यूनिट प्लेस के डिजिट को मैं एक्स कहूँ तो टेंथ प्लेस के डिजिट को हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स है। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल 54 है, यूनिट डिजिट अगर 4 है और दोनों डिजिट का सम 9 है तो दूसरा टेंथ डिजिट क्या है, 9 माइनस 4। तो इसी तरह से टेंथ डिजिट हो गया 9 माइनस x। तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, आप देखिए जब भी हम कोई नंबर फॉर्म करते हैं बच्चों, जब भी हम कोई नंबर फॉर्म करते हैं दो डिजिट का कोई भी नंबर, कोई भी, जैसे अगर कोई भी दो डिजिट का नंबर फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, 7 10s हो गया 79 जैसे, और 9 1s हो गया, है ना। ऐसे तो हुआ कोई भी दो डिजिट का नंबर प्लेस वाली टेबल से हम कैसे करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो अब आप देखिए जैसे यूनिट डिजिट आपके पास x है और टेंस डिजिट 9 माइनस है, तो नंबर क्या बन जाएगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 इंटू 1s डिजिट। तो इसको आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 90 माइनस 10x प्लस x। तो आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास 90 माइनस 9x। ठीक है बच्चों, ठीक। टेंस डिजिट में उसकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वंस डिजिट में उसकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो सिंपलीफाई करके ऐसा आया। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो यूनिट प्लेस का डिजिट 9 माइनस x हो जाता है, पहले एक्स था अभी 9 माइनस x हो गया और टेंस डिजिट एक्स हो गया। तो इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वंस प्लेस में जो डिजिट है 9 माइनस x है, 1 इंटू 9 माइनस x। आप उसको सॉल्व करिए, 10x प्लस 9 माइनस x, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस x आया, तो 9x प्लस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इंटरचेंज नंबर है, जो इंटरचेंज नंबर है बच्चों वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ये तो लिखा है, ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ऐसा ही तो है। तो आप इंटरचेंज नंबर आपने फाइंड कर दिया है, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर वापस 90 माइनस 9x है प्लस 27। अब आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, केवल वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ लिया है, माइनस का 9x लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो प्लस का 9x हो गया, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया 90 प्लस 27 माइनस 9 बच्चों। तो यहाँ से आ गया आपके पास 18x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 हो गया 117 माइनस 9 108 हुआ। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 18। तो x इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास 18 6 108 आई थिंक। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। अब आपको वंस डिजिट पता लग गया तो टेंथ डिजिट पता लग जाएगा आपको। वंस डिजिट अगर 6 है तो टेंथ डिजिट आपके पास 9 माइनस 6 यानी कि 3 हो गया, है ना। तो अब आप क्या कहोगे, मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फाइनल आंसर को आपको लिखना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू आ गया 6x, मैंने माना है यूनिट डिजिट ओरिजिनल नंबर में, है ना। तो टेंस डिजिट हो गया, टेंस डिजिट 9 माइनस 6 यानी कि 3 हो गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर। आप चाहे तो एक्सक्यूटिव सीधा इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 90 माइनस 9x करके, है ना। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 90 माइनस 9x कर लीजिए, 90 माइनस 9x 9 इंटू x, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अब आपको ये पता लगी गया टेंस डिजिट मतलब 3 10s, है ना, 10 डिजिट मतलब 3 10s,
प्लस सिक्स वंस है ना, सिक्स वंस। तो आपके यहाँ जो नंबर है वो नंबर आपका आया क्या है बच्चों, आकाश नंबर आ गया 36। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं 63 जो है, अगर इंटरचेंज करें डिजिट्स को तो 63 जो है 36 से कितना ज्यादा है वो चेक कर लीजिए, 27 ज्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। ठीक है, या तो आप ऐसे रिक्वायर्ड नंबर को कर लीजिए या आप डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए, डिजिट्स तो पूछे ही नहीं है, है ना। तो इस तरह से तो 36 नंबर आपका ये आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है। अगर आप क्वेश्चंस को समझ गए, दो डिजिट के नंबर को कैसे फ्रेम करते हैं समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। समझिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ज्यादा आसान है। आप देखिए आसान कैसे है, आप देखिए वो टू डिजिट वाला ही क्वेश्चन है, एक डिजिट जो है दूसरी डिजिट का 3 टाइम्स है। तो आप क्या करेंगे, लेट्स यूनिट डिजिट इज, यूनिट डिजिट इज क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा, टेंथ डिजिट 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट, तो 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट। तो नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही आपको दिमाग में लगाना है कि 10 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 टाइम्स ऑफ क्या बताइए, यूनिट डिजिट है ना। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन आसान है इस क्वेश्चन में, तो 30x प्लस एक्स यानी कि ये आ गया 31x, टू डिजिट नंबर क्या है 31x है। ठीक है ना, अच्छा अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। इफ यू इंटरचेंज योर डिजिट्स दिस टू डिजिट नंबर है एंड एड द रिजल्टिंग टू द नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, तो आपको 88 मिलता है अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस आपका 3x हो जाएगा और टेंस प्लेस आपका, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा आपका, टेंस प्लेस आपका x हो जाएगा बच्चों, है ना। तो इंटरचेंज नंबर आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज नंबर। तो फिर से वही आपको करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए 10x प्लस वन टाइम ऑफ द यूनिट डिजिट इज 3x नाउ दिस टाइम, तो ऑब्वियसली यू विल गेट हियर 13x हियर, तो यू विल गेट हियर 10x प्लस 3x, दैट इज यू विल गेट द आंसर 13x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, इन दोनों का सम जो आया वो 88 है, इंटरचेंज नंबर और ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर 31x है याद रखिए। तो यहां से आया 31x प्लस 13x है, मैं 3x लिख दिया गलती से, सॉरी। अच्छा तो ये आया 44x इज इक्वल टू 88, तो फ्रॉम हियर यू गेट x इज इक्वल टू, आप देखिए x इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 44, तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू 2 एक्चुअली, x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, x इज इक्वल टू 2 मिला आपको, x इक्वल टू 2 मिला है आपको, है ना। देखिए मैं इसको कॉपी करके आपको फिर दूसरी पेज में भी ले देता हूं, तो अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2 आया ना, तो आप ओरिजिनल नंबर बता दीजिए, सो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे पास, 31x था। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इज इक्वल टू 31 इंटू 2 का आपका क्या हो गया 62। अगर आप देखिए इंटरचेंज डिजिट, अगर डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो उसमें क्या आता,
62 और 26 का सम देखिए 88 होता है, ठीक है, और ये आंसर सही है बच्चों। आगे के क्वेश्चन कल देखेंगे। धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।